हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले इंजेक्शन के टाइप्स, कितने प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, किस किस तरह से इंजेक्शन को लगाया जाता है, रूट क्या होता है, इनके सारी चीज़ें डिस्कस डिटेल में करूँगा मैं। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंजेक्शन कितने प्रकार से लगाते हैं। डिटेल में समझाऊंगा गाइस, मैं बेसिक सरफेस नहीं बताऊंगा। आप वीडियो पूरा देखो, नॉलेज जरूर मिलेगा इस वीडियो से। हिंदी भाषा में बताऊंगा। सबसे पहला जो इंजेक्शन आता है इंट्रावीनस, जिसे हम आईवी कहते हैं, जो कि डायरेक्ट शिराओं में लगाया जाता है, हाथों में लगाया जाता है, जहां से हम ब्लड निकालते हैं वहीं पे इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे इंट्रागेट आपने देखा होगा। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर आईएम, यानी कि कमर पे लगाते हैं, हाथों में लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर कैसे लगाते हैं, कितने डिग्री एंगल में लगाते हैं, कौन कौन सी दवाइयां लगाते हैं, सब डिटेल से समझेंगे हम लोग, ठीक है। एक होता है आपका सब क्यूटेनियस, जो कि सुपरफिशियली लगाते हैं, और एक होता है इंट्राडर्मल, जो कि ऊपर ही ऊपर लगाते हैं। एक होता है इंट्राकार्डियक, इंट्राकार्डियक मतलब डायरेक्टली हार्ट के अंदर लगाते हैं। एक होता है इंट्रा आर्टेरियल, जो कि आर्टरीज के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो गाइज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको 90 डिग्री, कोई 45, कोई 25, कोई 10 से 15, इन सबको डिटेल से समझने वाले। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप, एक बेसिक सा मैंने बताया, इंट्रावीनस जिसे आईवी कहते हैं, इंट्रामस्कुलर आईएम कहते हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्राकार्डियक और इंट्रा आर्टेरियल, इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अब एक एक को हम लोग डिटेल से समझने वाले। सबसे पहले हम लोग इंट्रावीनस के बारे में डिटेल समझते हैं। इंट्रावीनस जो कि वेन के अंदर शिराओं के अंदर लगता है, इंट्रावीनस डायरेक्टली इंटर इनटू वेन। इंट्रावीनस वो इंजेक्शन होते हैं जिनको डायरेक्टली वेन यानी कि शिराओं के अंदर लगाया जाता है। नीडल इंटर इन वेन 25 डिग्री एंगल, एंगल आप बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 डिग्री एंगल में लगाया इंजेक्शन को जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। एंगल कितना बनना चाहिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा 25 डिग्री बनेगा। इसमें जो मेडिसिन होती है, रैपिडली एक्शन बाय दिस रूट, जो मेडिसिन हम जो लगाते हैं ना किसी दवाई का, हमको तुरंत अगर जल्दी इफेक्टिव तरीके से जल्दी अगर उसमें हम लोग को असर करवाना है तो आईवी लगाया जाता है। आईवी से एब्जॉर्ब जल्दी होती है, जल्दी पूरी बॉडी में फैल जाती है और जल्दी काम चालू कर देती है, ठीक है। और जो इंट्रावीनस इंजेक्शन कैन बी गिवन बाय इन्फ्यूजन और डायरेक्टली, देखो इन्फ्यूजन क्या होता है, जिसमें हम लोग बोतल चढ़ाते हैं, वो इन्फ्यूजन फॉर्म में आईवी दे सकते हैं, या फिर किसी इंजेक्शन को डायरेक्ट मिक्स करके भी वेन में लगाया, देखो दोनों तरह से लगाते हैं, कभी डायरेक्ट लगाया भी जा सकता है और कभी कभी आईवी यानी कि इन्फ्यूजन फॉर्म में भी चलता है, दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें सिंपली, आप देखने वाले कि आईएम इंजेक्शन क्या होते हैं। आईवी देखो, अब आईवी कितने प्रकार से होते हैं, सभी प्रकार की एंटीबायोटिक जो होती है हम लोग आईवी देते हैं, एंटीबायोटिक्स को हम लोग आईवी देते हैं। इसके अलावा वोमिटिंग वगैरह की मेडिकेशन आती है, उनको भी आईवी दिया जा सकता है। कुछ पेन किलर्स होती है जिनको भी आईवी दिया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन होती है जो लगभग सभी मेडिकेशन को आईवी दिया जा सकता है। कुछ मेडिसिन स्पेसिफिक ऐसी होती है जिनको आईवी नहीं देना होता है, ठीक है। अब देखते हैं आईएम के बारे में। इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है, इंट्रामस्कुलर इंटर इनटू डीप मसल्स, जो इस इंजेक्शन को हम लोग को क्या करना है, अंदर मसल्स में लगाना है, तो बिल्कुल सीधा लगाना पड़ेगा। यानी कि कितने डिग्री एंगल में लगाना पड़ेगा इसको, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, आप लोगों को पता होना चाहिए कितने डिग्री एंगल में आईएम लगाते हैं, ठीक है। तो आईएम इंजेक्शन को हम लोग सीधा लगाना होगा, ठीक है, यानी कि नीडल शुड बी पुट 90 डिग्री एंगल। अभी मैंने आपको बताया कितने एंगल में करना है, 90 डिग्री में, ठीक है। तो याद रखना 90 डिग्री एंगल में हमको पुट करना होता है। उसके अलावा वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन रैपिडली एब्जॉर्ब, ये पॉइंट लाइन समझना आप लोग, कि जो पानी वाला जो लिक्विड ही फॉर्म में होता है और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो मसल में क्या होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, जल्दी इफेक्ट करता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है। पर जैसे ऑयली, जैसे कि फेब्रिनिल, एक इंजेक्शन आता है पैरासीटामोल कंपोजिशन ऑफ फेब्रिनिल करके, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, उसको इंट्रा वेनस ही दिया जाता है, आईवी आईएम नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेली होता है, कुछ ऑयली रहता है, तो हम उसको आईवी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, बट आईएम बहुत स्लोली वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ऑयली सॉल्यूशन स्लोली एब्जॉर्ब, ऑयली बहुत धीरे एब्जॉर्ब होते हैं, समय लगता है उनको एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो वाटर एक्वस सॉल्यूशन रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो ऑयली सॉल्यूशन होते हैं, अब इसका आप रूट देखो, इस आईएम को आप थाई पे लगा सकते हो, आप कमर पे यूज कर सकते हो,
ठीक है, कमर पे यूज किया जा सकता है। कमर के अलावा हम लोग इसको हाथों के बाजू पे भी इसको यूज कर सकते हैं इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शंस को। ठीक है, तो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन IM लगाया जाता है। इसके साइट याद रखना हार्म पे, थाई पे और कमर पे, दोनों जगह पे मसल्स में इसको इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ता हूं, अब आता है हमारा सबक्यूटेनियस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SC कहते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इंजेक्ट इन फैटी लेयर। फैटी लेयर क्या होती है, जरा डायग्राम समझो। सिंपली फैटी लेयर का मतलब ये होता है कि जो हमारी लेयर है ना, ये सबक्यूटेनियस की बात कर रहा है। तो स्किन सबसे पहले ऊपर, स्किन डर्मिस के अंदर वाले जो फैटी लेयर है उसमें इस इंजेक्शन को लगाना होगा। इंजेक्शन का जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल में इसको लगाया जाता है। मेडिसिन वेरी रैपिडली एब्जॉर्ब, इसमें भी दवाई जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इंसुलिन, इंसुलिन को पेट में भी लगाया जाता है, ठीक है, हाथ पे भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसमें जो निडिल आती है ना गाइस, ये शॉर्ट होती है। ठीक है, शॉर्ट मतलब निडिल बिल्कुल इत्तो सी होती है, छोटी सी निडिल होती है, जिसको हम लोग इंट्रा सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। साइट क्या होती है सबक्यूटेनियस की, दोनों आर्म्स पे, हाथों पे यूज कर सकते हैं और आगे थाई के ऊपर यूज कर सकते हैं, और इसको एब्डोमिन के ऊपर भी। इंसुलिन को ज्यादातर लोग एब्डोमिन के ऊपर लगाते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसमें छोटी सी सुई होती है, इंसुलिन इंजेक्शन एग्जाम्पल याद रखना, याद रखना। आगे बढ़ता हूं मैं, अब आता हमारा क्यूटेनियस, जिसे CU कहते हैं। इंजेक्शन इंजेक्ट इन सुपरफिशियली डर्मिस लेयर ऑफ स्किन, इस इंजेक्शन को जो त्वचा की ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसमें इंटर करवाना होगा। देखो जैसे कि यहां पे एक इंजेक्शन लग रहा है, ये सुपरफिशियल है, बिल्कुल ऊपर लगाया गया इंजेक्शन है। ठीक है, इंजेक्ट इंजेक्शन एंगल शुड बी 10 to 50 degree, जो एंगल कितना बनाना है, बिल्कुल 10 से 15 डिग्री एंगल बनाना होगा। और एग्जांपल है जैसे कि कब कब यूज कर सकते हैं इसको, इसको हम लोग डायग्नोसिस परीक्षण, जैसे कि किसी को TB हो गया है तो हम लोग मोंटेक्स टेस्ट ही लगाते हैं। मोंटेक्स टेस्ट में क्या करते हैं, इस तरह की स्लाइन लेते हैं, उसमें उसको सुपरफिशियली इंजेक्ट करवा देते, गोला लगा देते, उससे क्या होता है, वो अगर बम्प होगा तो पॉजिटिव, मतलब किसी भी प्रकार के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल चेक मेडिकेशन सेंसिटिविटी, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है गाइस जिनकी सेंसिटिविटी पहले थोड़े से लगा कर चेक करना है कि मरीज को इन्फेक्शन कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, उसके बाद मरीज को वो दवाई को दिया जाता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिनको चेक करना जरूरी होता है। ठीक है, तो क्यूटेनियस दिया जाता है, याद रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आता हमारा इंट्राकार्डियक, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन इंजेक्ट इनटू हार्ट मसल और वेंट्रिकल। जो इंट्राकार्डियक होता है इसको हार्ट मसल्स और वेंट्रिकल्स में लगा दिया जाता है, इस तरह से। ठीक है, वेंट्रिकल्स या कार्डियक मसल्स में लगाओ या वेंट्रिकल्स में डायरेक्ट डाल दो। इट इज ओनली यूज इन इमरजेंसी कंडीशन, नॉर्मली नहीं यूज करते, केवल बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन पर, जैसे कि पल्मोनरी रिजक्सिएशन वगैरह होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एपिनेफ्रिन जो इंजेक्शन होता है उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं इमरजेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, याद रखना गाइस, इंट्राकार्डिक यूज होता है। इसके अलावा एक और इंजेक्शन होता है जो कि इंट्रा आर्टरियल होता है, उस इंजेक्शन को हम लोग आर्टरी में इस्तेमाल करते हैं, आर्टरी में लगाया जाता है। आई होप कि आपको ये कुछ इंजेक्शन समझ में आए होंगे। रूट्स मैंने बताए कि किस तरह से हम लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह की बहुत सारी वीडियो चैनल में डली हुई, आप लोग जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।